हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स में और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट ऋतिक। आज बात करेंगे सौरव गांगुली को लेकर, क्योंकि बीसीसीआई के अध्यक्ष बन गए हैं वो और अब जो तमाम फैसले वो लेने वाले हैं वो भी देखने वाली बात होगी। तो इस तमाम मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार अमन सर जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर पहला सवाल आपसे ये कि सौरव गांगुली अध्यक्ष बन गए बीसीसीआई के, 23 अक्टूबर को वो एक ऑफिशियल तरीके से वो उस पदभार को संभालने लगेंगे पूरी टीम के साथ, तो उसके बाद बाकी क्रिकेटर्स के भी सर ट्वीट आने शुरू हो गए हैं, उनको बधाई देने लगे हैं कि अब बीसीसीआई के वो अध्यक्ष बन गए। और इस कड़ी में अब टीम इंडिया के पूर्व स्पिन गेंदबाज भज्जी यानी कि हमारे हरभजन सिंह, उन्होंने भी उनको कहा है कि दादा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो तो क्योंकि आपको ये पद मिला है। तो उस पर रीट्वीट किया सौरव गांगुली ने और कहा कि भज्जी तुमने जो किया टीम के लिए बहुत किया, तुमने भी काफी मदद की हमारी और अभी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। किस तरीके से देखते हैं सर सौरव गांगुली के इस ट्वीट को भज्जी? देखिए बिल्कुल ऋतिक, और पहली बात तो आपने सौरव गांगुली की बात की जी, मैं बिल्कुल बोले में नहीं सकता हूँ कि क्रिकेट टीम को जिस तरह से उन्होंने री एस्टैब्लिश किया था अपने आप में बहुत कमाल की बात थी। और बिल्कुल बेशक गुंजाइश बनती है कि ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने टीम को न सिर्फ मैनेज किया बल्कि जीतने का हुनर भी सिखाया, जीतने का एक मंत्र भी दिया, उसको जरूर बीसीसीआई के अध्यक्ष उनको बनाया जाना चाहिए था। और देखिए तमाम कशमकश के बाद आखिरकार सौरव गांगुली का नाम उसके लिए फाइनल हो गया और 23 को सही कहा आपने कि जो ऑफिशियल तरीके से पदभार को संभाल लेंगे और उसके बाद से जो टीम की कायाकल्प होना शुरू होगी जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपने जिक्र किया हरभजन सिंह का, जिनको भज्जी भी कहा जाता था मैदान पर जब वो होते थे और गांगुली के बड़े फेवरेट माने जाते थे, दूसरा जिस तरीके से वो करते थे बहुत कमाल का था। मुझे कोलकाता टेस्ट याद आता है ऋतिक, उसके से पहले मैं बात आगे बढ़ाऊं कि वहां पर टीम इंडिया फॉलोन खेलने के बाद जैसे राहुल द्रविड़ और बीवीएस लक्ष्मण ने अब जिस तरह की बैटिंग की थी और जिस तरह से एक अच्छा खासा स्कोर ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने खड़ा किया था और ऐसा माना गया कि ये टेस्ट इंडिया नहीं बचा पाएगा। लेकिन देखिए उस टेस्ट में हमेशा बात जो राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण की होती है लेकिन वहां पर जो है भज्जी का जिक्र नहीं होता। मुझे याद आता भज्जी ने उस टेस्ट मैच में बहुत कमाल की गेंदबाजी की थी, शायद हैट्रिक भी उन्होंने उस मैच में की थी। ये एक ऐसा गेंदबाज था जो किसी भी विकेट पर किसी भी परिस्थिति में न सिर्फ शानदार गेंदबाजी करता था बल्कि अपने कप्तान के लिए विकेट भी निकाल कर देता था। और जब अब कप्तान के खास कोई भी प्लेयर ऋतिक तभी खास बनता है जब वो कप्तान की उम्मीदों पर भरोसा करता है बिल्कुल। और भज्जी के अंदर एक कला थी, एक बहुत ही गुण था उनके अंदर, उनको टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता था और बहुत कमाल गेंदबाजी किया करते थे। अब जब दौर खत्म हो गया यानी गेंदबाजी का दौर खत्म हो गया, बल्लेबाजी का दौर खत्म हो, गांगुली का हो गया, कप्तान का दौर खत्म हो गया, लेकिन जब अब एक बार फिर नई पारी की शुरुआत गांगुली कर रहे हैं यानी बीसीए अध्यक्ष बन रहे हैं, तो ऐसे में जिस तरह का ट्वीट करके उन्होंने बधाई दी कि दादा आप हमेशा लीडर रहे हैं और हम लोगों को आपने लीड करने का मौका दिया कि हम भी फ्रंट पे आकर अपनी चीजों को बेहतर तरीके से रख सकें और आप एक बहुत बड़े लीडर हो, इस तरह की बातें उन्होंने गांगुली के लिए कही। अब देखिए रीट्वीट किया था गांगुली का कि भज्जी तुमने मुझे जिस तरह से मैचेस जिताए हैं, तुमने एक छोर से जो गेंदबाजी करते थे और तमाम मुकाबलों में इसलिए हम लोगों ने जीत दर्ज की है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब इसको लेकर एक नया एंगल, मुझे तुम्हारी जरूरत है अमन सर, ये एक दूसरे वे में देखा जा रहा है। इस वे में देखा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्त में टीम इंडिया के बॉलिंग कोच शायद हरभजन सिंह बन जाए। बिल्कुल, और ये ऋतिक होता है कि कप्तान भी यही चाहता है कि उसकी जो पसंद के प्लेयर्स हों। गांगुली का मैं बिल्कुल इस बात में कायल रहा हूँ, गांगुली इसके ऊपर दाव लगाते थे, वो कहते थे नहीं मुझे प्लेयर चाहिए तो चाहिए, यानी कि एक कप्तान को अपने प्लेयर पर भरोसा होना जरूरी है। वहीं अगर वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने तो उनको भी ये भरोसा होना चाहिए कि अगर मैं भज्जी को गेंदबाजी कोच के बतौर लेके आ रहा हूँ, ये मतलब संभावना है जस्ट ये भी, लेकिन हाँ अगर मैं लेकर उनको आता हूँ तो मैं उनसे क्या क्या हासिल करा सकता हूँ, तो ये उनको पता है और इसीलिए शायद ये जो कयासों का दौर है वो ऋतिक लगना शुरू हो गया क्योंकि भज्जी बहुत करीबी माने जाते हैं दादा के। और तो क्या आने वाले दिनों में गेंदबाजी कोच की भूमिका में, अब ये भी दिलचस्प होगा सर अगर वो बन जाते हैं कोच की भूमिका में, तो खैर बिल्कुल वो रवि शास्त्री के ऊपर तो खैर वो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये जो हरभजन सिंह को लेकर बात छिड़ी है क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स ने, सर विराट कोहली ने भी उनको ट्वीट किया बधाई दी है, एमएस धोनी भी कह चुके हैं उनको बधाई दे चुके हैं, लेकिन सिर्फ हरभजन सिंह के बात को उन्होंने कहा कि मुझे भज्जी तेरी जरूरत है। बिल्कुल देखिए, और मैं वही कह रहा हूँ आपसे रीति, क्योंकि गेंदबाजी बड़ी कमाल की थी और अपने दौर में जिस समय सबसे अधिक टीम को जरूरत थी, मैं हम लोग प्रोग्राम में और भी पहले ही बात कर चुके हैं कि गांगुली
अब बहुत नए प्लेयर्स को उन्होंने बनाया है, उन्होंने उनके अंदर जज्बा पैदा किया लड़ने का। उसमें हरभजन सिंह भी एक थे, क्योंकि अनिल कुंबले के साथ में विकल्प की जरूरत थी और ऐसे में हरभजन सिंह का निकल कर आना और एक एंड से लगातार न सिर्फ शानदार गेंदबाजी करना बल्कि विकेट निकाला, ये बहुत बड़ी कला होती है किसी भी गेंदबाज के लिए। एक लंबा करियर रहा है भज्जी का, लेकिन हाँ अब जब गांगुली अध्यक्ष बने हैं तो क्या गांगुली चाहते हैं कि उनको मैं अपनी टीम में शामिल करूँ, अपने जो है जो कमेटी है उसमें शामिल करूँ और जो खासकर गेंदबाजी कोच की बात चल रही है उसमें मैं शामिल करूँ, क्योंकि भज्जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, भज्जी से बहुत कुछ लिया जा सकता है टीम के लिए और ऐसे में अगर फायदा टीम को जिस चीज पहुंचा सकती है वो क्यों ना पहुंचाए। तो हो सकता है गांगुली के मन में कोई ना कोई जरूरी ये चीज प्रश्न चल रहा हो कि उनको अगर वो अगर भज्जी को लेकर आते हैं तो गेंदबाजी में बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, क्योंकि गांगुली ने कल भी ये बात कही है कि भले ही जो द्विपक्षीय सीरीज होती है यानी कि दो टीमों की सीरीज होती है उसमें टीम इंडिया बहुत बेहतर हो, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में अभी भी टीम को बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, तो इसी का एक माना जा सकता है कि हो सकता है कि जो भज्जी हों वो गेंदबाजी में और सुधार लाने के लिए टीम में आना चाहते हैं और गांगुली के साथ वो पहली पसंद भी हों। जी बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि सौरव गांगुली यानी कि हमारे दादा अगर भज्जी को मौका देंगे तो टीम इंडिया के लिए कितना वो मुश्किल भरे दौर से अच्छा साबित होगा, क्योंकि भज्जी एक वक्त के बहुत अच्छे स्पिन और अच्छे गेंदबाज हैं और कमाल का उन्होंने विकेट भी लिया और उनका आंकड़ा अगर आप देखें तो बहुत काबिल तारीफ रहा है। तो अब जब भज्जी शायद एक तरीके से दादा ने इशारा कर दिया है, होता कि बातों बातों में इशारा करते हैं लेकिन उन्होंने ट्वीट में इशारा कर दिया है, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कब, क्योंकि अब तो 23 अक्टूबर से सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बन ही जाएंगे, लेकिन अब देखना यह होगा कि इसके बाद टीम्स में वो कितने ज्यादा चेंजेस करेंगे और क्या कुछ आएगा। स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, अपडेट कराएंगे, जो भी होगा हम आपके सामने सबसे पहले लेके आएंगे। देखते रहिए नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स को, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार एंड टेक केयर।